सडनली इट वॉज अ कार्डियक अरेस्ट एंड वी लॉस्ट हिम। शाम को उनका शव भोपाल ले जाया जाएगा, फिर उसके उपरांत उनके पैतृक स्थान इंदौर और फिर वहां पे संस्कार का इस प्रकार की योजना बनाई जा रही है। बहुत कुछ है इनको आगे दुनिया देखनी थी, देश को भी बहुत बड़ा योगदान इनका होने वाला था, उस योगदान से पूरा देश भी वंचित रह गया। मैं समझता हूँ कि यह जो क्षति तत्काल हुई है इसकी भरपाई करना संभव नहीं है। इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत ही प्रभावी सांसद थे, कई सेलेक्ट कमेटी में ने अच्छा काम किया था और सबसे बड़ी बात है कि नर्मदा के प्रति उनको अगाध प्रेम था और नर्मदा का संवर्धन हो इसके लिए उन्होंने स्वयं लंबी यात्रा नर्मदा में की थी, तो पर्यावरण के प्रति उनका लगाव इतना अधिक था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही व्यक्ति का चुनाव किया था देश के पर्यावरण मंत्री के रूप में। It is our misfortune that we lost a committed environmentalist, Sri Anil Madhav Dave, his son of Mother Narmada. He is a grassroots level worker. इतने कम उम्र में गुजर जाना ये बहुत ही दुख की बात है। काफी सालों से उन्होंने अपने जीवन में सादगी से रहकर सिर्फ देश की सेवा में समाज को ठीक करने के लिए अपना पूरा जीवन का योगदान दिया। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होगा। मैंने आज और कल दो दिन का राजकीय शोक मध्य प्रदेश में रखने का हमने फैसला किया है। उनकी उम्र भी कुछ नहीं थी तो इस आघात को सहने की ताकत उनके परिवार को मिले इसकी मैं कामना करता हूं। वो बड़े विशाल व्यक्तित्व के धनी थे और पर्यावरण को लेकर के उनकी चिंताएं सबकी चिंताएं बनेंगी ऐसा उनका विश्वास था।